नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट किया जाएगा पेश। महागठबंधन सरकार की ओर से इस बार वित्त मंत्री विजय चौधरी पेश करेंगे बजट। 3 अपराधियों ने ओवरटेक कर रुकवाई बाइक, दिन दहाड़े फायरिंग कर सीएसपी संचालक से लूट लिए 2 लाख रुपए। घटना सीसीटीवी में कैद। छपरा जिले के पानापुर की है घटना, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से बदल देने का आ गया है समय, क्योंकि बिहार का नहीं हो रहा है विकास। तेजस्वी यादव ने दिए कार्यवाही के संकेत। शादी के दिन ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ हुई फरार। लड़की के परिजनों ने फोन कर दूल्हा पक्ष को दी घटना की जानकारी और बारात लाने से किया मना। लड़की के परिजनों ने गांव के ही 9 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार। पश्चिमी चंपारण के श्रीनगर थाना क्षेत्र का है मामला। नेपाल के साथ साथ देश भर के बड़े शहरों में बढ़ी मांग को लेकर वन विभाग ने जताई फरवरी से मार्च तक हिरण, चीतल, भालू, सुअर और पंछियों के शिकार होने की आशंका। इसको लेकर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वन कर्मचारियों और अधिकारियों की होली की छुट्टी रद्द। साथ ही एक खास टीम का किया गया गठन। गजनी के बताए बम को डिफ्यूज करने फल्गु नदी पहुंची थी गया पुलिस। अचानक हुआ विस्फोट, 3 पुलिसकर्मी जख्मी, 2 की स्थिति गंभीर। किया गया पटना रेफर। कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा था डिफ्यूज। गलवान घाटी में शहीद जवान जय किशोर के पिता को वैशाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस पर पिटाई करने का लगा आरोप। गिरफ्तारी के समय का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। शहीद के सम्मान में बने स्मारक वाली भूमि को लेकर चल रहा था विवाद। इस घटना से लोगों में आक्रोश। बिहार एमएलसी चुनाव का शेड्यूल जारी। 31 मार्च को 5 सीटों के लिए होगी वोटिंग। चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार 13 मार्च तक कर सकते हैं अपना नामांकन। 14 मार्च को की जाएगी जांच। वहीं नामांकन को वापस लेने की तिथि 16 मार्च की गई है तय। बक्सर जवाहर मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों पर नगर परिषद ढा रहा है जुल्म। प्रधानाध्यापक सुनील कुमार केसरी ने दी जानकारी। विद्यालय में है कुल 440 छात्र छात्राओं का नामांकन, लेकिन कचरे के कारण सिर्फ 170 छात्र ही पहुंच रहे हैं स्कूल। विद्यार्थी बदबूदार हवा से हैं परेशान। विद्यालय के पास ही किया जाता है कचरा डंप। बीएसएनएल टावर चुराते 6 चोर गिरफ्तार। बिहार और यूपी के चोरों का यह गैंग पहले भी चुरा चुका है एक टावर। बीएसएनएल के अभियंता मनोज कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर चोरों को भेजा गया जेल। पति पत्नी के अलग रहने पर पोस्टकार्ड से पैदा हो जाते हैं अमीरों के बच्चे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एक बार फिर सामने आया अजीबोगरीब बयान। छपरा जिले के मांझी थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से सत्यम नाम के एक किशोर की हुई मौत। मैट्रिक परीक्षा खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने गया हुआ था सत्यम। नदी में गई गेंद को निकालने के दौरान हुआ हादसा। जीविका दीदियों ने उठाया कुपोषण को दूर करने का बीड़ा। प्लांट संचालित कर बना रही है विटमिक्स। कुपोषण को खत्म करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है पोषण युक्त भोजन। 6 माह में तीसरी बार हुई एक लड़की की शादी। बिहार के बेगूसराय में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा और मंदिर में जबरन करा दी शादी। उससे पहले महिला की हो चुकी थी 2 बार शादियां। आईजी विकास वैभव और डीआईजी विनोद कुमार का हुआ तबादला। आईजी विकास वैभव का होमगार्ड डीजी शोभा अहोतकर से विवाद मामले ने पकड़ लिया था तुल। 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को राहत। 1 लाख जुर्माना लगाने का फैसला लिया वापस। पति की प्रताड़ना और उसके अवैध संबंधों से तंग आकर एक पत्नी ने मौत को लगाया गले। जहर खाने से पहले बनाई एक वीडियो। मुजफ्फरपुर का है मामला। किसान मेले में छलका मिथिला पेंटरों का दर्द। कहा, अपने यहाँ ही हो गए हैं बेगाने। मिथिला पेंटिंग को बिहार के बाजारों में नहीं मिल रही है उचित मूल्य। इससे जुड़े लोग हैं परेशान। शराबी के ड्रामे से उत्पाद विभाग की टीम का छूटा पसीना। मुंगेर का है मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर में महिला हेल्प डेस्क की रेल थाना ने की शुरुआत। रेलवे स्टेशन पर बने महिला हेल्प डेस्क में महिलाएं आकर कर सकती है अपनी शिकायतें। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV News के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। Facebook पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV News के Facebook पेज को लाइक करें और Twitter पर HTV News को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल HTV News। सच की आवाज़। नमस्कार।